हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 22D। तो यहाँ पे गांव है खिल्ली भाव। खिल्ली भाव में एक फ्री होल्ड लैंड है, अच्छी क्वालिटी की लैंड है, और ये मैं आज वीडियो में आपको दिखाऊँगा और दिखाऊँगा कि यहाँ पर अथॉरिटी की क्या क्या, जैसे कि इंडस्ट्री और कितने मीटर का रोड, क्या क्या आपको पासी में देखने के लिए मिलेगा। सभी जानकारी जो है वो वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी, तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। और ज़मीन जो है काफ़ी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की ज़मीन है, आप इसको अपने किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। सभी जानकारी जो है वो वीडियो में आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। तो ये वो लैंड है जिसमें हम अभी खड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ये टोटल जो है ये 3 बीघे के आसपास की लैंड है, जैसे कि चारों तरफ से बाउंड्री हो रखी है, आप देख पाएंगे। ये इस तरीके से इसकी बाउंड्री हो रखी है चारों तरफ से। रोड वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जिन किसान की ज़मीन है 3 बीघे, पहले वो इसमें प्लॉटिंग कर रहे थे इसकी, तो उन्होंने बीच में, ये आप देखेंगे तो ये दोनों साइड उधर भी लैंड है और इधर भी लैंड है, ये बीच में उन्होंने 20 फिट का पहले रास्ता छोड़ दिया था। रास्ता छोड़ के दोनों साइड वो प्लॉटिंग कर रहे थे, जिसको जितनी भी ज़मीन चाहिए उस हिसाब से। अभी उनका मन बना है कि 3 बीघे की 3 बीघे को एक साथ सेल करने का। अगर कोई एक साथ ख़रीदना चाहता है एक साथ ख़रीद सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इसमें से इसी तरीके के रोड के साथ 500 गज या 200 गज, 1000 गज, इस तरीके के साइज़ का चाहते हैं तो वो आप ख़रीद सकते हैं। क्योंकि अथॉरिटी के प्लॉट का यहाँ पे 22D में आप देखेंगे 120 मीटर, 162 मीटर के जो रेजिडेंशियल प्लॉट है उनका रेट काफ़ी ऊपर होने की वजह से लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद पाते हैं। तो ये फ्री होल्ड अच्छी बची हुई लैंड है जिसमें आप छोटे साइज़ के प्लॉट भी यहाँ पे ख़रीद सकते हैं, 200-300 गज इस तरीके से, तो वो भी आप ख़रीद सकते हैं। और उससे क्या है कि जो छोटा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये अथॉरिटी से बची हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो पेरिफेरल है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और सामने आप देखेंगे तो ये 130 मीटर का रोड है, और उसके दूसरी साइड में बाबा रामदेव पतंजलि का जो प्रोजेक्ट है उसकी लैंड आपको देखने के लिए मिलेगी। ये सामने मैं थोड़ा आगे चल के आपको एक बार दिखाता हूँ। आप इधर से देखेंगे तो ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये पहले 130 मीटर का रोड है, उसके बाद बाबा रामदेव पतंजलि का जो है प्रोजेक्ट वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सभी आपको इंडस्ट्रियल एरिया देखने मिलेगा, और यहीं से वो गांव से 12 मीटर का पेरिफेरल रोड जो है वो इस तरीके से आ रहा है, कुछ आगे जो है बना हुआ है। अगर आप आएँगे यहाँ पर फिजिकली विजिट करने तब मैं आपको दिखाऊँगा। सामने इस तरीके से यहाँ से रास्ता है, और वो रोड जो है कुछ दूरी तक बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जो सीधा यहाँ से आपको 130 मीटर का रोड है यमुना एक्सप्रेसवे से, जो यमुना एक्सप्रेसवे की दूरी यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास होगी, तो वहाँ से सीधा आपको इधर की साइड 145 मीटर रोड से सीधा 12 मीटर का रोड जो है इधर लेके आ जाएगा, जो गाँव का पेरिफेरल रोड है उससे आप इधर आ सकते हैं। ये सामने ही आप देखेंगे तो ये ATS के टावर जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, और साथ ही में लगा हुआ यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे है। तो कनेक्टिविटी जो है इस तरीके से, एक रोड इधर है और जो गांव का मेन रोड है, रास्ता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ से कनेक्टिविटी जो है वो किस तरीके से होगी। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़ायदा इसमें यही है कि आप अगर इकट्ठा ख़रीदना चाहते हैं तो इकट्ठे के रेट पे जो है, अगर पूरा 3 बीघे एक साथ ख़रीदते हैं तो रेट कम होगा। अगर आप 200, 300, 500 गज इस तरीके से ख़रीदते हैं तो रेट जो है फिर वो ज़्यादा होगा। छोटे साइज़ के प्लॉट भी आप ख़रीद सकते हैं, और आप चाहते हैं बड़े पूरा ख़रीदना तो वो भी आप ख़रीद सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि गांव की साइड से कौन सा रास्ता है। ये तो इसी का रास्ता है, जो 20 फुट का रास्ता है जिससे आप अंदर जा सकते हैं, और ये इधर
गांव की साइड को रास्ता जाता है ये रास्ता, और ये जो है ये काफ़ी चौड़ा रास्ता है जो सीधा एक्सप्रेसवे की साइड आपको 45 मीटर रोड पे कनेक्ट कर देता है, तो इस पे भी आप जा सकते हैं। अभी मेन रास्ता यही है, यहाँ से इस तरीके से ये वो लैंड है। तो बाकी इसके बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर, देखना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं उसके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो यहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।